दोस्तों के साथ जरीपटका से केक खरीदकर लौटते समय मामूली विवाद होने पर एक कार चालक ने युवक पर लकड़ी रॉप्टर से हमला कर दिया है, जिसकी मौत हुई है। उसके बीच बचाव करने आरोपी ने ऑटो चालक और उसके बीच बचाव करने वालों पर भी हमला किया है। जरीपटका पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। मृतक का नाम बाबूलाल साखरे है। आरोपी रामानंद और अनिकेत भगवान आंबोने हैं। अनिकेत पत्नी के साथ रक्षाबंधन के लिए कार में सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान ऑटो में सवार बाबूलाल और उसके दो मित्र बगल से तेजी से निकले। इसी बात को लेकर बाबूलाल और अनिकेत में कहा सुनी हो गई थी। दिनांक 9/8/2020 रोजी दुपारी 2:30 दरमियान तथागत सौ इथे एक मालवाहू ऑटो व एक थ्री व्हीलर सीटर ऑटो मध्ये बाबूलाल साखरे व त्याचे दोन मित्र हे येत होते, तेव्हा त्या दोघांचे ऑटो आमने सामने आले। तर त्यावरून तू माझ्या ऑटो समोर का ब्रेक मारले, ह्यावरून त्यांचा आपसात वादविवाद झाला। त्या वादविवाद झाल्याने त्यांनी आरोपी ब्रह्मानंद अंदोने ह्याने आपल्या मालवाहू ऑटोतून लाकडी राप्टर काढले आणि बाबूलाल साखरे यांच्या डोक्यावर मारले। ते बेशुद्ध झाले, त्यांना मेडिकल येथे उपचाराकरता भरती करण्यात आले होते। त्यांचा काल मृत्यू झालेला आहे। ऑटो में बैठे बाबूलाल ने कार चालक अनिकेत से कार धीरे चलाने को कहा तो अनिकेत बहस करने लगा। बहस बैठने पर अनिकेत ने कार से लकड़ी का राप्टर निकाला और बाबूलाल पर हमला बोल दिया। अजय और सुनील के साथ मारपीट की, चोट लगने से बाबूलाल बेहोश हो गए। उसे मेयो अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी 11 अगस्त को मौत हो गई। पहले जरीपटका पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया, अब हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।